नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मॉब लिंचिंग के खिलाफ बने कड़े कानून। पूर्व मंत्री अनिस अहमद ने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की वकालत करते हुए पालघर मामले में लिप्त आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग की है। इस संदर्भ में उन्होंने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को ज्ञापन भी सौंप दिया है। पालघर मॉब लिंचिंग की निंदा करते हुए उन्होंने इसे मानवता को कलंकित करने वाला मामला करार दिया है। वैसे इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 110 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मॉब लिंचिंग मामलों में कोई ठोस कानून न होने के कारण अक्सर आरोपी छूट जाते हैं, क्योंकि भीड़ द्वारा की गई हिंसा को लेकर देश में कोई ठोस कानून नहीं है। वास्तव में मॉब लिंचिंग आतंकवाद से भी अधिक निंदनीय है। अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर हमला करने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार। मुंबई जोन 3 के डीसीपी ने बताया है कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर हमला करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार देर रात हुए हमले के बाद अर्नब ने एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि हमलावर युवा कांग्रेस के सदस्य थे, जो उनकी गाड़ी की खिड़की तोड़ना चाहते थे। हिंसा इसका जवाब नहीं, अर्नब गोस्वामी पर हमले को लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर हुए कथित हमले की निंदा करते हुए कहा है कि चाहे वो बुरी पत्रकारिता ही क्यों ना हो, लेकिन उसका जवाब हिंसा नहीं है। हर किसी को राय रखने का अधिकार है। काउंसिल ने महाराष्ट्र सरकार से इस घटना पर रिपोर्ट मांगी और कहा, उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को सरकार पकड़ेंगी भी और अपराधियों को सजा भी होगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।